धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा दशहरा के पर्व पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ सुबह से ही गंगा घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर की पौड़ी सहित तमाम घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर रहे हैं। बता दें कि कई सालों के बाद गंगा दशहरा के मौके पर इतनी भीड़ देखी जा रही है। गंगा दशहरा पे माता गंगा जी की आरती होती है, माता जी के दर्शन के लिए आए हैं। हमारी माता जी हैं जो यहाँ 40 साल से लगातार गंगा दशहरा पर आती जाती रही हैं। यहाँ के प्रशासन की व्यवस्थाएं काफी अच्छी है, जो देख के अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा है स्नान करके? बहुत बढ़िया है, हर प्रकार की सुविधाएं हैं और पुलिस व्यवस्थाएं काफी अच्छी है। आज गंगा दशहरा है, हर की पौड़ी पर स्नान करने का हमारा बहुत बड़ा मन था, इसलिए हम लोग आज आए हैं। और वैसे ज्यादातर हर साल आते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी लोगों की अच्छी व्यवस्था है, कोई भी दुर्घटना की कोई चांसेस नहीं है। बहुत अच्छे से सब स्नान कर रहे हैं, सबने अच्छा पूजा पाठ किया और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। वहीं बागेश्वर में भी गंगा दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां भक्तों ने सरयू नदी के पावन जल में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया और घरों के द्वार पर दशहरा पत्र लगाकर भगवान से परिवार की सुख और शांति की कामना की। इसके साथ ही कपकोट, कांडा, गरुड़, रीमा, काफली गैर स्थानों में भी दशहरा पर्व की धूम रही। इस मौके पर लोगों ने घर में विभिन्न पकवान भी बनाए। यहाँ पर गंगा सरयू और सरस्वती त्रिवेणी का जो बड़ा महत्व है, इसी वजह से यहाँ पर स्नान का महत्व है। और बागेश्वर जनपद जो है शिव जी के धाम से ही बागेश्वर जनपद इसका नाम पड़ा, इसलिए जो है स्नान के महत्व से त्रिवेणी होने की वजह से गंगा दशहरा में यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। सुबह से श्रद्धालुओं की काफी यहाँ पर रुचि स्नान और पूजा पाठ में लगी रहती है। गौरतलब है कि गंगा दशहरा पर्व को उल्लास से मनाने की परंपरा कुमाऊं अंचल में काफी पुरानी है। कुमाऊं अंचल में घरों के मुख्य दरवाजों और देवस्थानों में गंगा दशहरा पत्र को लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पत्र को लगाने से प्राकृतिक आपदाओं और आसमानी बिजली से घर की सुरक्षा होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल और बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।